कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। जी हाँ दोस्तों, हर धर्म हर मजहब के लोग जिस भी इष्ट देव की भक्ति साधना में लगे हैं, वो उसी को श्रेष्ठ बतलाते हैं। लेकिन वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रभु कौन है, ये किसी को मालूम नहीं। हमें पता है कि अब जरूर आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि प्रभु तो प्रभु ही होते हैं, तो फिर यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रभु क्यों बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दे कि आज हम अपनी वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि गॉड वर्सेस सुप्रीम गॉड में क्या अंतर है, प्रभु और सर्वश्रेष्ठ प्रभु किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। दोस्तों हिंदू समाज में विशेषकर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति की जाती है। इसके अलावा कुछ लोग दुर्गा जी की तो कुछ लोग ओम नाम का जाप करके काल ब्रह्म की पूजा तक ही सीमित है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये भगवान नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रभु इन्हें नहीं कहा जा सकता। वो किस लिए, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देवी भागवत महापुराण स्कंद 3 प्रश्न नंबर 123 सिद्ध करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। रजोगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण तथा इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर यह जीवात्माओं को केवल किया हुआ कर्म फल ही दे सकते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिवजी जी की भक्ति करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग कहा गया है। देवी भागवत महापुराण स्कंद 7 प्रश्न नंबर 563 पर देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान उपदेश देते हुए कह रही हैं कि केवल ब्रह्म की पूजा करो और सब की पूजा त्याग दो। लेकिन दोस्तों गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म तो गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 में बोल रहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य, यानी कि उत्तम पुरुष वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, जिसके बारे में गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 10 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वही सही ज्ञान और भक्ति विधि बताएंगे। तो दोस्तों इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल तीन लोक के प्रभु हैं और काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये उत्तम पुरुष यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रभु नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, उनकी शक्ति अपरंपार है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। मुस्लिम धर्म के लोगों का मानना है कि अल्लाह एकमात्र खुदा है और इस ब्रह्मांड को रचने वाला है। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह का उच्चारण करते हुए अल्लाह का स्मरण करते हैं, जिसका अर्थ है एक अल्लाह के सिवा और कोई देवता नहीं। वो ये भी कहते हैं कि अल्लाहु अकबर का अर्थ है कि ईश्वर बड़ा है, लेकिन वास्तव में अल्लाहु अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह कबीर है। मुस्लिम भाइयों ने कुरान शरीफ को ठीक से समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जबकि कुरान शरीफ में स्पष्ट है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने स्तर का ज्ञान प्रदान करता है और अंत में अल्लाहु अकबर के बारे में बाखबर से जानकारी पूछने का विकल्प छोड़ देता है। एक और पवित्र सदग्रंथ बाइबल जिसमें परमेश्वर की गवाही दी गई है, लेकिन उसको मानने वाले लोग उसे नहीं समझ सके, वो परमात्मा को निराकार समझते हैं। लेकिन बाइबल उत्पत्ति अध्याय 1 का वचन 1, इब्रियो अध्याय 11 का वचन 6, रोमन अध्याय 1 का वचन 20, रोमन अध्याय 1 का वचन 19 और 20, साल्म अध्याय 53 का वचन 1-3 परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। बाइबल को मानने वाले यीशु को प्रभु मानते हैं, लेकिन इसी बाइबल के इब्रियो अध्याय 1 का वचन 5, मार्क अध्याय 1 का वचन 11, मैथ्यू अध्याय 17 का वचन 5 और ल्यूक अध्याय 20 का वचन 13 के अनुसार यीशु परमेश्वर के भेजे गए पुत्र थे, न कि सुप्रीम गॉड। अब बात करते हैं सिख धर्म की। दोस्तों सिख समुदाय में भगवान के अमूर्त रूप की पूजा करने का विधान है। चित्रों या किसी अन्य वस्तु की पूजा करने की सख्त मनाही है।
लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 567, 764, 1257 पर महिला एक की वाणी में स्पष्ट रूप से साकार परमात्मा के प्रमाण लिखे हैं। दोस्तों, सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग नाम से मनमानी भक्ति करते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा, वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु जो सबका मालिक है, उसको कोई नहीं जानता, उसका भजन कोई नहीं करता। इसलिए कबीर साहिब जी ने कहा है कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, अर्थात उस सर्वश्रेष्ठ प्रभु जो उसके ऊपर है, उसका भजन करना चाहिए। आइए जानते हैं वह सुप्रीम गॉड, सर्वश्रेष्ठ प्रभु कौन है। वो पूर्ण परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जिसे दुख हरता सुख करता कहा गया है, जो सर्व लोकों में प्रवेश करके सभी का धारण पोषण करता है, जिसकी गवाही सभी सद ग्रंथ देते हैं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17, यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 8 अध्याय 5 मंत्र 32, अर्थवेद कार्ड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7, श्री गुरु ग्रंथ साहिब राग तिलंग महिला 1 पृष्ठ 721, राग सिरी महिला 1 प्रश्न नंबर 24 शब्द नंबर 29, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59, अमृत वाणी कबीर सागर अगम निगम बोध प्रश्न नंबर 44। ये सभी प्रमाण सिद्ध करते हैं कि पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर ही है और वही सुप्रीम गॉड है। इतना ही नहीं, उन सभी महापुरुषों ने भी अपनी वाणी में कबीर परमात्मा का वर्णन किया है, जिन्हें पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे। गुरु ग्रंथ साहिब राग महला पहला प्रश्न नंबर 24 शब्द 29, गुरु नानक देव जी को पूर्ण परमात्मा बेई नदी के किनारे मिले, उनको सतलोक के दर्शन कराए, जिसके बाद नानक जी ने अपनी वाणी में पूर्ण परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है। नानक देव जी कहते हैं, फाहे सुरत मुलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। इसके बाद आदरणीय गरीब दास जी महाराज को 10 वर्ष की उम्र में पूर्ण परमात्मा मिले और यथार्थ भक्ति विधि प्रदान की, जिसका बखान गरीब दास जी महाराज ने अपनी वाणी में इस प्रकार किया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय दादू साहिब जी, जिनके नाम से दादू पंथ चला, उनको भी परमात्मा मिले और उनको भी सद्भक्ति प्रदान की, जिसका बखान उन्होंने अपनी वाणी में किया है, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार, दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोट। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, ईश्वर, अल्लाह आदि संज्ञाओं से जिनको पुकारते हैं, वह कबीर परमेश्वर अल्लाह हू अकबर और भी अनेक पुण्य आत्माओं को मिले और उनका कल्याण किया। दोस्तों, हमें केवल उस पूर्ण परमात्मा सर्व श्रेष्ठ प्रभु कबीर साहिब जी की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण लाभ हो सकते हैं और परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जो शास्त्र आधारित ज्ञान दे रहे हैं और हमारे शास्त्रों से प्रमाणित पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं। कृपया संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर यथार्थ भक्ति ग्रहण करें तथा उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।